डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने और देश की अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के मकसद से सरकार 1 जुलाई को औपचारिक रूप से डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राजधानी में इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें दुनिया भर के उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मकसद विभिन्न सरकारी विभागों और उनके जरिए देश के नागरिकों को मुहैया कराई जा रही सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से एकीकृत करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण भारत को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना है। डिजिटल इंडिया हैज बेसिकली 3-4 कंपोनेंट्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, टू हार्नेस द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर द स्टेट एंड द सेंटर्स हैव टू वर्क टुगेदर। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष और ग्रुप सीईओ सुनील मित्तल समेत भारतीय उद्योग जगत की कई जानी मानी हस्तियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। डिजिटल इंडिया वीक के दौरान देश में अरबों डॉलर के निवेश की संभावना जताई जा रही है। हमने इस बात की कोशिश की कि उस दिन हम देश के उद्योगपतियों को भी बुलाएंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को बताएं। इंडियन इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। डिजिटल इंडिया के जरिए उम्मीद की जा रही है कि 2019 तक देश के सभी पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और सभी स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आईटी और दूरसंचार क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी इससे मदद मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बैंकिंग जैसे सेक्टरों में बेहतर सेवाएं प्रदान करने और भारत के डिजिटल सशक्तिकरण में भी इससे मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया का फोकस बेसिकली डिजिटल इंक्लूजन पे है। इसका मतलब जो लोग अभी तक इंटरनेट क्रांति से दूर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट की उनको सुविधाएं नहीं मिली है, वो भी अब इस क्रांति का एक बेजोड़ हिस्सा बने। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सिद्धांत सिब्बल, डीडी न्यूज, नई दिल्ली।